नमस्ते टू ऑल ऑफ यू एंड आई वेलकम यू इन द स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट टॉपिक जो आज हम कवर करने वाले हैं एज अ टॉपिक इज नॉट अ टीचिंग एप्टीट्यूड पी वाई क्यू इट्स अ रिसर्च मैथडोलॉजी जिसकी हम थियोरी के बारे में जो मेन कोर्स वर्क होता है उससे रिलेटेड हम बात करने वाले हैं सो so आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं रिसर्च मैथडोलॉजी रिसर्च मैथडोलॉजी जो थियोरी होती है इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होते हैं कि फाउंडेशन नॉलेज क्या होता है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं सो लेट्स बिगिन दिस टॉपिक टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू अदर टॉपिक क्योंकि जब हम बात करते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड की जब हम बात करते हैं हायर एजुकेशन की आपके जितने भी क्वेश्चन होते हैं देर इज अर फिक्सेशन की आपके कितने आएंगे वो आपके नेट के लिए इंपॉर्टेंट है पाँच क्वेश्चन आते हैं तो यहाँ पे फिक्सेशन रहता है बट जब हम बात करते हैं रिसर्च मैथडोलॉजी की तो आपको अंदाजा हो रहा होगा कि कैसे ये आपके ना केवल एग्ज़ाम के लिए बल्कि अगर आप एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद इंटरव्यू में भी जाते हो तो इंटरव्यूअर आपसे पूछता है कि आप कौन सी मैथडोलॉजी यूज़ करोगे कौन से थियोरी यूज़ करोगे तो इस मद्देनज़र आपके करियर को रिलेटेड आपके इंटरव्यू से रिलेटेड या फिर आपके जितने भी पीएचडी के एग्ज़ाम होंगे उसके इंट्रेंस से रिलेटेड ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है सो so, आप इसको लाइटली नहीं ले सकते टेक इट वेरी सीरियसली क्योंकि ये इसकी वेटेज जो है इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ये आपको इंपॉर्टेंट करेगी जितने भी यू जी सी नेट के एग्जामिनेशन एल जे आर एल चाहे सेट लेवल के एग्जामिनेशन है उसमें ये टॉपिक खासकर आपसे पूछा जाता है और इसका वेटेज भी दिया जाता है फिर उसके बाद हम बात करें जितने भी पी एच डी एंट्रेंस होते हैं इसमें आपको इस टॉपिक से रिलेटेड ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं इंडक्टिव मेथड क्या होता है डिडक्टिव क्या होता है या फिर आप देखोगे नल हाइपोथेसिस क्या होता है टाइप वन ईरर क्या है टाइप टू ईर क्या है हाइपोथेसिस फॉर्मूलेशन क्या है स्टेप्स ऑफ रिसर्च क्या है एथिक्स क्या है तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए तभी आप क्या कर सकते हो इंट्रेंस को क्लियर कर सकते हो अगर आप रिसर्च के करियर बनाना चाहते हो फॉर एग्जांपल आप आगे भी पीएचडी करना चाहते हो तो आप दो साल कोर्स वर्क में जाते हो और उसमें आप बाकायदा रिसर्च के कॉन्सेप्ट आप देखते हो कि रिव्यू क्या होता रिव्यू क्या है लिटरेचर रिव्यू कैसे करते हैं क्या क्या स्टेप्स होते हैं इन सब चीज़ों को डिटेल में पढ़ते हो तो बेहतर होगा कि इसके बारे में आप इंट्रोडक्टरी नॉलेज रखें ताकि आपकी जो कोर्स वर्क हो और भी स्मूथ जाए उसके साथ साथ आप जितने भी हायर एजुकेशन से रिलेटेड अगर आप अपने करियर को बनाना चाहते हो तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है सो टेक दिस टॉपिक इज वेरी एज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक क्योंकि अगर आप जिस इस, इसमें जितना टाइम दोगे उतना ही रिटर्न आपको मिलने वाला है तो ये कोई ऐसा टॉपिक नहीं है कि जो सिर्फ आप नेट के लिए करना चाहते हो इट विल बी गो थ्रू आउट योर लाइफ इफ़ यू वॉन्ट टू परस्यू योर हायर एजुकेशन और मुझे जहाँ तक पता है कि अगर आप इस, इस वीडियो को देख रहे हो तो आपकोर्स आपके मन में हायर एजुकेशन की जरूर ना जरूर कहीं पर ना आप या तो पीएचडी करना चाहते हो या फिर आप जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के करियर के रूप में अपने आप को देखना चाहते हो तो इन बोथ कॉन्टेक्स्ट दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट नाउ लेट्स कम टू द टॉपिक लेट्स कम टू द सिलेबस क्योंकि हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो इसी सिलेबस को ध्यान में रख कर करने वाले हैं लेट्स लुक इन टू द सिलेबस जब हम सिलेबस की बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हम क्या देखने वाले हैं रिसर्च के मीनिंग्स टाइप्स जो फर्स्ट यूनिट हमारा क्या है फर्स्ट यूनिट आप देखोगे वो है रिसर्च के मीनिंग्स यानी कि जब हम रिसर्च की बात करते हैं तो इसके कितने अर्थ हैं प्रकार हैं और इसमें पॉजिटिविज़्म पोस्ट पॉजिटिविज्म अप्रोचेस के बारे में हमें डिस्कशन करना है फिर जो सेकेंड यूनिट आपकी है मेथड ऑफ रिसर्च इसमें आपके अलग अलग टॉपिक आ जाते हैं एक्सपेरिमेंटल डिस्क्रिप्टिव हिस्टोरिकल क्वालिटेटिव और क्वान्टिटेटिव मेथड ये आपके आगे हैं फिर उसके बाद आपको स्टेप्स ऑफ रिसर्च यानी कि अनुसंधान के कितने चरण हैं इसके बारे में आपको स्टडी करना है थर्ड यूनिट में और फिर उसके बाद आपको थीसिस और आर्टिकल राइटिंग फॉर्मल और इनफॉर्मल रेफरेंसिंग क्या होता फॉर्म सॉरी फॉर्मेट एंड स्टाइल ऑफ रेफरेंसिंग क्या है ये सारी चीज़ों को आपको स्टडी करना है फिर एक नया टॉपिक जो ऐड हुआ है वो है एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन रिसर्च यानी किस तरीके से आप कंप्यूटर का यूज़ करते हो रिसर्च में ये भी आपसे पूछा जाएगा और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिससे आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं वो है आपकी आई सॉरी इट्स सॉरीस और यहाँ पे आईसीटी इन रिसर्च तो ये सारे टॉपिक्स हैं जिसको हम एक एक करके देखने वाले हैं पूरे यूनिट में सो लेट्स बिगिन वन बाय वन ये तो हो गया आपके सिलेबस बस इस सिलेबस को हमने कैसे अरेंज किया है ताकि हमें पढ़ाने में सुविधा हो इस टॉपिक को हमने कुछ इस तरीके से अरेंज किया है हम शुरुआत में जब स्टडी करेंगे तो हम बात करेंगे रिसर्च की मीनिंग और उसके कैरेक्टरिस्टिक जो कि बेसिक चीज़ें होती है और फिर उसके बाद हम एक साथ देखेंगे पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविज़्म अप्रोच क्या होते हैं इसको हम दूसरे यूनिट में रखेंगे और जो तीसरा यूनिट होगा वो सारे मेथड टाइप्स इन सबको हम साथ में पढ़ेंगे पॉजिटिविज्म को भी हम साथ लेके जाएंगे तो जब भी हम बात करेंगे इंट्रोडक्ट रिलेशन यानी आज का जो लेसन होने वाला है वो हम बात करेंगे रिसर्च के मीनिंग और उसके टाइप्स और जो नेक्स्ट यूनिट होगा उसमें हम पॉजिटिविज्म पोस्ट पॉजिटिविज्म और भी जितने इसके मेथड और अप्रोचेज़ हैं उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे अब देखिए बात आती है कि मैम क्या मेथड क्या इसके टाइप्स क्या इसके अप्रोचेस अलग अलग हैं तो देखिए हम मैंने आपको लास्ट टाइम जब मैं आपको रिसर्च के क्वेश्चन बताती हूँ तो आपको जनरली आप देखोगे कि जब आप अप्रोचेस की बात करोगे तो उसमें पॉजिटिविज्म पोस्ट पॉजिटिविस्ट अप्रोच आपको पढ़ना है बट उसके अंदर भी आपको कोरिलेशन करना हो कौन इंडक्टिव है कौन डिडक्टिव है कौन क्वालिटेटिव है कौन आपके क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव है इन सब के बीच में कोरिलेशन जानना जाना आपको पता होना चाहिए तो जब हम बात करेंगे अप्रोचेस के बारे में तो हम टाइप्स के बारे में बात करेंगे और हम मेथड को बात करेंगे तो इस वजह से हम तमाम तरह के मेथड को देखने वाले हैं जिससे आपका क्या, क्या हो अगर कल टाइप से क्वेश्चन आते हैं क्योंकि मैं आपको बता दूँ जो टाइप्स ऑफ रिसर्च है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इससे रिलेटेड आपको बार बार क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं सो दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट दैट यू शुड हैव टू कवर ना केवल एक दो टाइप छः टाइप सात टाइप हम जितने भी टाइप्स आते हैं जो कि ज़्यादातर पी वाई क्यू में पूछे जाते हैं उनको हम कवर करने वाले हैं सो लेट्स स्टार्ट इट वन बाई वन एक एक करके हम स्टडी करने वाले हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्योंकि हम स्टार्ट ही कहाँ से करते हैं बेसिक से करते हैं तो पूरा जो ये चीज़ चल रही है फॉर एग्ज़ाम्पल कि हमने मैथड्स को देखा हमने टाइप्स को देखा हमने इसके अप्रोचेज़ को देखने वाले हैं ये टॉपिक ये क्यों है वाई वर्स द रेलीवेंस ऑफ रिसर्च मैथडोलॉजी क्यों हम रिसर्च मैथडोलॉजी को एज अ यूनिट हम स्टडी कर रहे हैं ताकि हमारी जो शैली हो हमारे जो स्किल्स हो वो डेवलप्ड हो एज अ ताकि हम फ्यूचर में जा कर के क्या लिखें एक रिसर्च पेपर लिखें है ना एक थीसिस लिखें डेजर्टेशन लिखें ठीक है यही सब चीज़ें होती है ना थीसिस क्या होता है डेजर्टेशन क्या होता है ये आपको पता है कि जब आप मास्टर लेवल में थे जब आप मास्टर के स्तर पे थे आपने क्या लिखा था एक डेजर्टेशन लिखा था जो कि क्या होता है मिनिमम आपके बारह हज़ार तेरह हजार के होते हैं एक हजार दस हजार से लेकर के बारह हजार वर्ड तक जब हम थीसिस की बात करते हैं कि आपके पी एच डी लेवल में बात की जाती है बट अगर हम बात करें अमेरिका और यूके में तो ये जो वर्ड है इसको इंटरमिक्स कर दिया गया है वहां पे आपकी थीसिस जो होती है वो मास्टर लेवल पे होती है डिजर्टेशन आपके पी लेवल पर होती है तो वो वहाँ पर उल्टा चलता है बट यहाँ पर हम अपने कॉन्टेक्स में बात करें इंडिया के कॉन्टेक्स में बात करें क्योंकि एट द एंड हमें क्या करना है इंडिया के एग्जाम में बैठना है तो जब हम थीसिस की बात करते हैं तो हम पीएचडी लेवल पे लिखते हैं और उसके बाद जब हम डेजर्टेशन की बात करते हैं तो जो आपने मास्टर लेवल पे किया उसकी बात हम कर रहे हैं तो जब हम बात कर रहे हैं कि ये रिसर्च मैथडोलॉजी क्यों पढ़ना है हमें क्यों आपके टॉपिक में है ताकि आपको एक फ्रेमवर्क पता चले कि हम क्या करें जा के कल को अगर हम ये टॉपिक कर लेते हैं तो हम क्या कर सकते हैं एक रिसर्च पेपर को पब्लिश करने लायक होते हैं जब आप मास्टर में रहते हो ना, फॉर एग्जाम्पल आपने मास्टर किया तो आपने डेजर्टेशन लिखा होगा ठीक है यानी कि मास्टर लेवल पे आपने क्या किया होगा डेजर्टेशन लिखने लिखा होगा ठीक है और इस डेजर्टेशन लिखने के तहत आपको एक सुपरवाइजर असाइंड हुएंगे और वो जो सुपरवाइज़र जो आप डेजर्टेशन लिखते हो वो अराउंड दस हज़ार से लेकर के बारह हज़ार वर्ड तक होते हैं और इससे क्या होता है जब आप इस डेजर्टेशन को लिखते हो यू हैव अ कम्प्लीट अंडरस्टैंडिंग कि आप रिसर्च पेपर किस तरीके से लिखोगे तो यहाँ पर आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिल जाती है कि मुझे रिसर्च पेपर किस तरीके से लिखना है तो यहाँ पे आप रिसर्च पेपर लिखने लायक आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है लेकिन जब हम पी में जब जाते हैं वेन वी बी इंटू पी तो हमें थीसिस लिखाया जाता है और थीसिस में आप देखोगे इसकी वर्डिंग जो होती है बहुत ही ज़्यादा होती है इट्स अराउंड मोर देन आप कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा होती है अब हर थीसिस डिपेंड करता है फॉर एग्जांपल आप साइंस वाले फील्ड में हो या फिर ह्यूमिनिटीज़ वाले फील्ड में हो तो इसके बाद आपकी जो स्किल बन जाती है वो एक बुक ले, लेखन के लायक हो जाती है आप बुक लिखना सीखते हो तो इस तरीके से क्या होता है डेजर्टेशन का अलग मोटो होता है रिसर्च पेपर, रिसर्च पेपर पेपर लिखवाना डेजर्टेशन लिखवाना इसका एक अलग मोटो होता है यहाँ पे आप क्या करते हो बुक लाइक लिखने लायक आपके अंदर स्किल्स डेवलप की जाती है अब देखिए अब यह जो डेजर्टेशन होता है या फिर थीसिस होता है ये कैसे अलग होता है हमारे रोजमर्रा के जो हमने टेंथ में हमने ऐसे लिखा होगा याद है ना आप सब लिखते हैं हम भी लिखते हैं ठीक है हम बचपन से ही कुछ ना कुछ लिखने आ रहे हैं हमने काऊ पे ऐसे लिखा है ठीक है हमने बहुत सारे एसेस लिखे हैं हमने माई स्कूल्स पे अगर मैं प्रधानमंत्री होता ये सब भी लेख हैं और जो आप न्यूज़पेपर में देखते हो वो भी लेख है तो ये जो लेख है ये कैसे अलग है एज़ कम्पेयर टू दिस टू ये दोनों से ये हमारे जो बचपन वाले लेख है वो कैसे अलग होता है फॉर एग्जाम्पल आप सभी ने बचपन में कभी ना कभी कुछ लिखे होंगे फॉर एग्जाम्पल आपने एप्लीकेशन लिखा हो नोटिस लिखा होगा ये सारी चीज़ें या फिर आप न्यूज़पेपर में बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़ते हो न्यूज़पेपर आर्टिकल्स पढ़ते हो आप भी क्या करते हो आप मान लीजिए जब टेंथ और ट्वेल्थ क्लास में होगे तो आपने एक बाकायदा पब्लिश किया होगा कुछ पेपर वेपर फॉर एग्जाम्पल आपने द हिंदू के लिए पेपर पब्लिश किए होंगे आपने किसी दैनिक जीवन दैनिक अखबार में दैनिक जागरण हो गया इन सब में आपने पेपर पब्लिश किया होगा वो जो लेखन है वो कैसे अलग है आपके मास्टर के पेपर से और आपके पीएचडी के पेपर से ये आपके बेसिक्स आपको पता होना चाहिए तभी हम क्या कर सकते हैं इसके बारे में आगे बढ़ेंगे देखिए जब हम बात करते हैं हमारे बचपन की बचपन की या फिर हमारे स्कूल लेवल की यानी कि जब हम ग्रेजुएशन में हमने कुछ लिखा तो वो क्या होती है फॉर एग्ज़ाम्पल हमने ओपिनियन पेज लिखा हमने अपने थाट्स लिखे हमने एडिटोरियल लिखा और किसी न्यूज़पेपर आर्टिकल में ब्लॉग आपने सुना होगा ब्लॉग लिखता है कोई तो ये सब चीज़ें जब होती हैं तो इट्स योर ओपिनियन जिसका कोई फ्रेमवर्क हालांकि नहीं होता क्या होता है जनरली या तो आप इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हो उसमें एक नॉर्मल कोड लिखते हो और फिर उसके बाद क्या होता है एक बॉडी होता है और लास्ट में क्या होता है कंक्लूजन होता है यही होता है ना और कुछ फाइंडिंग होती है कुछ फैक्ट्स होते हैं कुछ डेटा होते हैं उसके आधार पे आप क्या करते हो कुछ क्लेम करते हो कुछ आर्ग्यूमेंट्स करते हो अब ये चीज़ें कैसे अलग हो जाती है मास्टर और पीएचडी में मास्टर और पीएचडी में जब आप कुछ लेखन स्टार्ट करते हो तो यहाँ पे एक बाकायदा आप क्या करते हो एक मेथड यूज़ करते हो एक मेथडोलॉजी एक सिस्टमेटिक स्टडी करते हो आप इससे पहले जितने भी लिटरेचर हो चुके हैं उनके बारे में आप स्टडी करते हो तो जब हम बात करते हैं पीएचडी और डेजटेशन की तो यहाँ पे लिटरेचर का रिव्यू होता है और लिटरेचर के रिव्यू से आप क्या करते हो गैप फाइंड करते हो और जब गैप फाइंड करके आप हाइपोथेसिस और रिसर्च क्वेश्चन बनाते हो और रिसर्च क्वेश्चन को जब आप फाइंड करते हो तो देट इज़ अ पर्टिकुलर मेथड आप एक मेथड फॉलो करते हो और उस मेथड को पाने के लिए आप एक थियोरी अपनाते हो ठीक है मैं इस थियोरी से ये थियोरी मुझे लग रहा है कि यहाँ पर अप्लाई होगा तो यहाँ पर एक थियोरेटिकल फ्रेमवर्क मैथडोलॉजिकल ये सब चीज़ें यूज़ होती है और बाकायदा आप क्या करते हो टूल्स यूज़ करते हो सर्वे ठीक है और फिर उसके बाद डेटा कलेक्शन डेटा एनालिसिस करके आप क्या करते हो रिपोर्ट राइटिंग करते हो तो जब हम बात करते हैं पी लेवल या मास्टर लेवल पर डेजर्टेशन और थीसिस की देयर दैट्स राइटिंग इज बेस्ड अपॉन थियरी एंड मैथड जब हम अप, अपने स्कूल लेवल की बात कर रहे थे ग्रेजुएशन लेवल की तो वहाँ पे हम जो क्लेम कर रहे थे दैट बेस्ड अपॉन सिंपल ऑब्जर्वेशन दैट वी हैव देर इज अ नो पर्टिकुलर फ्रेमवर्क देर इज अ नो पर्टिकुलर मैथडोलॉजी देर इज अ नो स्टेप्स फॉर डेटा कलेक्शन ऑल इज इट बेस्ड अपॉन माई ओपिनियन बट अब हम क्या कर रहे हैं वी आर नाउ बिल्डिंग आवर ओपिनियन बेस्ड अपॉन अ पर्टिकुलर मैथड बेस्ड अपॉन अ पर्टिकुलर थियरी डेटा कलेक्शन हैपोथिसिस ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं जब हम यहाँ पे बात करते हैं पीएचडी लेवल पे तो यहाँ पे कुछ न्यूनेस होती है कुछ यूनिकनेस होती है यानी कि आप जो भी रिसर्च करोगे उसमें कुछ नया आता है आप क्या नया क्रिएट कर रहे हो रिसर्च विद अ वर्ड समझिए रिसर्च का मतलब यू आर डूइंग इट यू आर फाइंडिंग समथिंग न्यू इट डजेंट मीन कि आप क्या करो जो रिसर्च आपने पहले कर दिया है उसी को आप क्या कर रहे हो फिर से स्टडी कर रहे हो करे कोर्स हम उसमें उस टॉपिक के बारे में फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन के बारे में हम सब स्टडी करते हैं रिसर्च करते हैं बट फॉर एग्जाम्पल हिंदू वुमेन के बारे में हिंदू के के वुमेन कंडीशन के बारे में स्टडी हो गया है बट मुस्लिम वुमेन के के कंडीशन बारे में स्टडी नहीं हुआ है तो मैंने ये गैप फाइंड किया और उसके आधार पे मैं क्या करना चाहती हूँ रिसर्च करना चाहती हूँ तो ये हमारा क्या हो गया नयापन हो गया हमारे रिसर्च में अब फॉर एग्जाम्पल दो बंदे हैं दो बंदे ने क्या किया दोनों ने क्या किया मुस्लिम वुमेन के रिसर्च के बारे में स्टडी किया तो आप ये क्या कह सकते हो कि मैम ये तो डुप्लीकेट हो गया ना उसने जो रिसर्च किया मैंने भी वही रिसर्च किया यहाँ पे तो हम डुप्लीकेट हो गए तो ऐसा नहीं है यहाँ पे हो सकता है उसने कोई और मेथड से स्टडी किया होगा और हम कुछ अलग मेथड यूज़ करें उसने हो सकता है कि उसने हिस्टोरिकल मेथड यूज़ किया है हम क्या यूज़ करने वाले हैं डिस्क्रिप्टिव मेथड हो सकता है मैं केस स्टडी यूज़ करूंगी वो क्या कर रहा है वो एक अलग मेथड फॉर एग्जाम्पल इथनोग्राफी या फिर मान लीजिए ऑब्जर्वेशन अलग अलग टूल्स अपना रहा है अलग अलग थियरी अपना रहा है तो इस तरीके से क्या होता है सिमिलर टॉपिक बट डिफरेंट मेथड यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट टूल यूज़ कर सकते हैं तो यहाँ पर क्या किया जाता है यूनिकनेस लाने की कोशिश

पीएचडी में मास्टर मास्टर और पीएचडी लेवल पे हम डेजर्टेशन और थीसिस कहते हैं सो दिस इज़ द बेसिक अंडरस्टैंडिंग जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि कैसे जो एक रिसर्च न्यूज़पेपर आर्टिकल होता है वो अलग होता है आपके रिसर्च पेपर से ठीक है तो जब हम रिसर्च पेपर की बात करते हैं यहाँ पे क्या होता है देर इज़ समथिंग न्यू देर इज अ पर्टिकुलर मैथडोलॉजी देर इज़ अ पर्टिकुलर थियरी बट जब हम यहाँ पे बात करते हैं दैट इज़ बेस्ड अपॉन योर पर्टिकुलर ओपिनियन जब हम न्यूज़ पेपर आर्टिकल की बात करते हैं तो हम अपना व्यू दे सकते हैं और ये जो व्यू होता है वो दैट्स नॉट वी फॉलो पर्टिकुलर मैथड पर्टिकुलर आपकी फ्रेमवर्क इन सबको फॉलो करना ज़रूरी नहीं है तो ये बेसिक अंदर होता है जो आप न्यूज़ पेपर आर्टिकल लिखते हो और रिसर्च पेपर लिखते हो अब देखिए जर्नल्स क्या होते हैं क्योंकि ये सब चीज़ें आप बार बार सुनोगे मैं जब रिसर्च पढ़ाऊँगी तो ये सब चीज़ें बार बार आएंगी इस चीज़ को आप बेसिक से क्लियर कर लो ताकि आपकी क्या हो आपकी फ्लो बनी रहे जब हम जर्नल्स की बात करते हैं तो आप क्या करते हो मास्टर और पी लेवल में आपने डेजर्टेशन लिखा ठीक है फॉर एक्जाम्पल आपने एम किया या फिर आपने पी किया उस दौरान आपने बहुत सारे रिसर्च पेपर लिखे फॉर एग्जाम्पल दो तीन रिसर्च पेपर लिखा और उस पेपर को आपने क्या किया उस उस थीसिस को या फिर आपने डिजर्टेशन को पब्लिश कराना चाहा फॉर एग्जाम्पल आपने क्या किया बारह हजार का एक थीसिस लिखा अब देखिए रिसर्च पेपर क्या होता है रिसर्च पेपर की जब हम बात करते हैं तो वो मिनिमम कितने वर्ड का होता है तीन हजार से लेकर के छः हज़ार वर्ड तक होता है तो यहाँ पे क्या होता है ना बहुत बार क्या होता है थीसिस को डेजर्टेशन को हम शॉर्ट करके पेपर को पब्लिश भी करा सकते हैं तो यहाँ पे जनरली क्या होता है जब हम रिसर्च पेपर की बात कराते हैं तो रिसर्च पेपर एक पर्टिकुलर जर्नल्स में पब्लिश होता है यानी पत्रिका में पब्लिश होता है फॉर एग्ज़ाम्पल आपने सुना होगा स्प्रिंगर ठीक है वाइले ये सब क्या है दीज आर द दर्नल्स जर्नल्स जहाँ पे हम क्या करते हैं पत्रिका में जा कर के अपने पेपर को पब्लिश कराते हैं और उसके साथ साथ आपने आप देखते हो कि उसका इम्पैक्ट फैक्टर क्या होता है आपने ये वर्ड सुना हुआ स्कूपस ये वर्ड क्या है इसमें क्या होता है इसको मान्यता प्राप्त की जाती है और इससे आपकी जो इसमें बहुत अब कोई भी न्यूज़पेपर जर्नल्स हो गया जो कि जनरली क्या करते हैं आपसे कुछ पैसे लेकर के पब्लिश कराते हैं बट जब हम इन स्कूपस बेस्ड जर्नल की बात करते हैं तो उसमें आपकी पीयर रिव्यू ब्लाइंड पीयर रिव्यू होती है पीयर रिव्यू क्या होता है पीयर रिव्यू क्या होता है फॉर एग्जाम्पल आपने जो रिसर्च पेपर पब्लिश की ठीक है पीयर रिव्यू इन द सेंस कि पीयर का मतलब क्या होता है द वर्ड सुनिए क्योंकि ये बार बार आपके वर्ड्स आएंगे पीयर रिव्यू क्या होता है ब्लाइंड पीयर रिव्यू क्या होता है ये वर्ड आपको बार बार आएंगे इस वर्ड का मतलब समझिए जब हम पीयर रिव्यू की बात करते हैं ठीक है पीयर का मतलब क्या होता है आपके कलीग आपके फ्रेंड्स ये सब क्या होते हैं पीयर रिव्यू होते हैं फॉर एग्जाम्पल आपने क्या किया आपके पास एक रिसर्च पेपर है ठीक है आपने एक रिसर्च पेपर लिखा और उस रिसर्च पेपर को आपने सबमिट कराया जर्नल में पब्लिश होने के लिए जब आप वो जर्नल्स में पब्लिश कराते हो तो यहाँ पे आप क्या करते हो दो पेपर भेजते हो एक पेपर को कहते हैं मैनुस्क्रिप्ट। अब देखिए हर पेपर को पब्लिश कराने का अलग अलग स्टेप्स होता है कुछ प्रावधान दिए रखे देते हैं फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या किया हर पेपर क्या करता है अपने ही हिसाब से स्टेप देता है कि आपको इस फॉर्मेट में डा, डालना है ये ये तरीका अपनाना है ये ये स्टेप्स है हर जर्नल्स के अलग अलग स्टेप्स होते हैं मैं आपको एक जर्नल्स एक सिंपल एग्जाम्पल देके बता रही जनरल आइडिया दे रही हूँ कि कैसे रिसर्च पेपर पब्लिश होता है फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या होता है कि आपने क्या लिखा पेपर वन पेपर टू दोनों एक ही पेपर बट आपने कॉपी अलग अलग बना लिया ठीक है फॉर अब इसमें आपने क्या किया इसमें अपना नाम लिखा फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैंने एक जर्नल्स लिया ये मेरा जर्नल्स है पहला पेपर ठीक है सॉरी ये मेरा पहला रिसर्च पेपर है मैंने यहाँ पे टॉपिक लिखा और यहाँ पे मैंने क्या लिखा मैंने अपना नाम लिख दिया निष्ठा ठीक है फैकल्टी लेक्चर एट स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट या फिर मैंने अपनी उपाधि लिख दी कि मैं अगर असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ या फिर मान लीजिए कि मैं पी स्कॉलर हूँ तो मैंने अपने बाकायदा यहाँ पर लिख दिया अपनी पोस्ट पोजिशन अब देखिए अब जब हम इस तरह की पेपर लिखते हैं इसको कहते हैं मेनूस्क्रिप्ट जब आप पेपर पब्लिश कराने के लिए जब वो पेपर पब्लिश हो जाता है तो उसी को कहते हैं रिसर्च आर्टिकल लेकिन अभी वो आपने क्या भेजा है मेनूस्क्रिप्ट के फॉर्म में जर्नल्स को भेजे हैं तो इसे हम क्या कहते हैं मेनूस्क्रिप्ट ठीक है जहाँ पे अपनी आइडेंटिटी को आपने बताया ठीक है दूसरा जो पेपर होता है उसमें आप सिर्फ टॉपिक लिखोगे और इसमें आप अपना नाम नहीं लिखोगे सिर्फ अपना टॉपिक का नाम लिखोगे उसी को कहते हैं मैनो इसक्रिप्ट विथ एनोनिमस आइडेंटिटी यहाँ पे आप ये किसने लिखा जर्नल्स इसके बारे में कोई पता नहीं है इस ये अज्ञात है ठीक है इसी को कहते हैं अज्ञात अब ये दोनों जो पेपर है ये कहाँ जाता है ये जाता है पैनल ऑफ एक्सपर्ट के पास ठीक है यहाँ पे दो तीन पैनल हो सकते हैं जो कि क्या हो सकते हैं जर्नल्स की ऑथेंटिसिटी को चेक करते हैं कि क्या आपने जो पेपर भेजा है आपने जो मेनू भेजा है वो उस बेंच को सेट कर रहा है जो कि जर्नल्स अपने लिए सेट करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल वो डेटा ऑथेंटिक होना चाहिए फॉर एग्ज़ाम्पल वो प्लेजरिज्म फ्री होना चाहिए फॉर एग्ज़ाम्पल वो एक क्वालिटी को मीट करना चाहिए उसकी ऑथेंटिसिटी प्योर हो रिलेबल हो वैलिड हो तो इस तरीके से वो क्या बनाते हैं एक बेंचमार्क बनाते हैं जब आपका पेपर आप सबमिट करते हो तो ये क्या करते हैं ये पीयर जो होते हैं ये जो एक्सपर्ट होते हैं वो क्या करते हैं आपके पेपर को बिना आपकी आइडेंटिटी को जाने वो रिव्यू करते हैं इससे कोई लेना देना नहीं है कि आप कहाँ के असिस्टेंट प्रोफेसर हो या फिर आप बिरला हो या फिर अंबानी हो या फिर टाटा हो वहाँ पे आपकी आइडेंटिटी का कोई मतलब नहीं है क्योंकि आपकी आइडेंटिटी को उन्होंने छुपा दिया है अब वो क्या कर रहे हैं आपकी जो रिसर्च पेपर है वो सिर्फ़ आपके कंटेंट के आधार पे आपको जज कर रहे हैं कि आपने क्या लिखा है अगर आपका कंटेंट उनकी बेंच मार्क को मिट कर मिट कर जाता है तो फिर क्या हो जाता है वो पीयर रिव्यू पास कर जाता है और फिर वो कहाँ पे पहुँच जाता है अब वो पब्लिश होने के लिए तैयार हो जाता है बट फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो आप में कोई गड़बड़ी पाई गई आप के केस में आ गए, तो वो पी, वो पेपर क्या हो जाता है, रिजेक्ट हो जाता है और वो आपको वापस में क्या होता है अगर आपने पीयर रिव्यू ब्लाइंड पीयर रिव्यू ब्लाइंड पीयर रिव्यू, रिव्यू यानी कि जो पीयर रिव्यूअर है उसको आपके बारे में कुछ अता पता नहीं है और जो जर्नल्स जो जर्नल्स में पीयर रिव्यू के प्रावधान होते हैं उस पियर उस जर्नल्स को ज़्यादा ही ऑथेंटिक माना जाता है ज़्यादा ही कॉम्पिटिटिव माना जाता है जितने भी स्कूपस बेस्ड आप जर्नल देखते हो स्कूप बेस्ड जर्नल वो क्या होते हैं पीयर रिव्यूड होते हैं यानी कि वहाँ पे क्या होता है जो आपके पैनल होते हैं वो आपके पेपर को रिव्यू करते हैं और फिर उसके बाद क्या होता है तभी आपका पेपर पब्लिश होता है फिर उसके बाद आप क्या देखते हो जब ये आपका पेपर मान लीजिए पीयर रिव्यू पास कर गया और फिर ये क्या होता है बाकायदा आपका पेपर पब्लिश हो जाता है वो आपकी जर्नल्स में आ जाती है तो इस तरीके से क्या होता है इस तरीके से आप पीयर रिव्यू से होते हुए आपका कोई भी रिसर्च पेपर एक जर्नल्स में पब्लिश होता है और जर्नल्स क्या होता है एक पत्रिका होता है जिसकी कुछ स्टैंडर्ड होती है जहाँ पे क्या होते हैं जहाँ पे एक्सपर्ट बैठे रहते हैं और वो आपकी जो पेपर पब्लिश हुई है उसकी ऑथेंटिसिटी को चेक करते हैं अब देखिए कुछ जर्नल्स ऐसे भी होते हैं जो सिंपली पैसे ले करके आपको क्या करते हैं आपकी पेपर को पब्लिश कर देते हैं हालाँकि उसका जो इम्पैक्ट है जो इम्पैक्ट फैक्टर है उस तरह के जर्नल्स का वो बहुत ही कम रहता है बट जब हम स्कूपस बेस्ड जर्नल की बात करें उसकी इम्पैक्ट फैक्टर बढ़िया मानी जाती है और उस पेपर को जब आप मार्क्स करते हो फॉर एग्जांपल आपने कितने पेपर पब्लिश कराएं उसके आधार पे आपकी मार्किंग होती है कैसे होती है फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या किया मैंने एक पेपर पब्लिश कराया तो उसके आधार पे अगर मैं जाती हूँ तो मेरे तीन मार्क्स बढ़ जाते हैं अगर आप नेट क्वालिफ़ाई करते हो तो आपके आठ मार्क्स मिलते हैं अगर आप जे आर एफ क्वालिफ़ाई करते हो तो आपके दस मार्क्स मिलते हैं अगर आपके पास एक्सपीरियंस हो तो उसके आपके दस मार्क्स मिलते हैं और आपके एक पेपर पब्लिश होने पे तीन फॉर एग्जांपल आपने दो पेपर पब्लिश कराए हैं तो आपके तीन मार्क्स मिलेंगे तीन पेपर पब्लिश कराए हैं तो तीन, तीन, तीन मार्क्स मिलेंगे तो इस तरीके से क्या होता है जो जितना पेपर पब्लिश कराता है उसकी क्या बनती जाती है रैंकिंग बढ़ते जाती है उसके मार्क्स बढ़ते जाते हैं तो इस तरीके से पेपर पब्लिश कराना एक अच्छा माना जाता है आपके करियर के लिए ये क्या है अच्छा है अब देखिए अब हम बात क्या कर रहे हैं हमने बात कर लिया कि एक रिसर्च पेपर ठीक है एक रिसर्च पेपर कैसे जर्नल्स में आता है और उससे रिलेटेड हमने देखा कि आर्टिकल और एक रिसर्च पेपर एक न्यूज़ पेपर आर्टिकल और एक रिसर्च पेपर में क्या अंतर होता है तो ये बेसिक सी चीज़ है आपको हर बार एग्ज़ाम में आप टॉपिक पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि जब हम रिसर्च की बात करते हैं तो रिसर्च हम स्टडी क्यों कर रहे हैं क्योंकि इसके पीछे जो हमारी उद्देश्य क्या है हम इतना रिसर्च के बारे में डेप्थ में स्टडी क्यों कर रहे हैं मेथड के बारे में क्यों जान रहे हैं डिज़ाइन के बारे में क्यों जान, जान रहे हैं प्लाजरिज्म के बारे में क्यों जान रहे हैं डेटा कलेक्शन के बारे में क्यों कर रहे हैं क्योंकि हमारा एम क्या है हम रिसर्च पेपर लिखना चाहते हैं और लिखना एक कला है रिसर्च इज एन एप्टीट्यूड उस एप्टीट्यूड को अपने अंदर धारण करने के लिए ही हम ये पूरी कहानी की रचना कर रहे हैं तो आपका उद्देश्य क्या है आपके रिसर्च को स्टडी करने का टू पब्लिश ए पेपर टू एबल टू राइट समथिंग टू डेवलप अ स्किल ऑफ राइटिंग एंड दैट्स स्किल्स इज अ आर्ट जो कि धीरे धीरे आती है जिस तरह से टीचिंग एप्टीट्यूड है उसी तरीके से रिसर्च भी क्या है इट्स एप्टीट्यूड एक साधना है जिसको आपको ईमानदारी के साथ पूरे सच्चाई के साथ आपको अपने रीडर्स के सामने लाना रहता है और इसमें जब आप कोताही बरतते हो तो देर इज अ अ अ चांसेस 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 टू टू गेटिंग इज़ इज़ गेट और फिर उसके बाद क्या होती है there is a chances कि आपको पेनल्टी लग सकती है तो बी वेरी केयरफुल जब भी आप रिसर्च के बारे में बात करें तो आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग जरूर होनी चाहिए फिर उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज हमें जानना है वो ये है कि कि जब हम बात करते हैं रिसर्च आर्टिकल की अच्छा मैं आपको कुछ दिखाना चाहती थी आई एम नॉट श्योर कि मैं कैसे दिखा पाऊँ बट uh, मैं कोशिश तो कर सकती हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक आर्टिकल दिखाना चाहती थी न्यूज़ पेपर आर्टिकल्स मुझे पता है आप सबको पता होगा बट uh, मैं चाहती थी कि इसे आपको मैं दिखाऊँ आई एम नॉट श्योर कि मैं इसको क्लिक करके आपको कैसे दिखा सकती हूँ तो मैं कोशिश करूंगी कि कल मैं आपको ये रिसर्च पेपर आर्टिकल दिखाती और उसमें मैं बताती कि कौन इंट्रोडक्शन है क्योंकि आपको एक अंतर पता होना चाहिए कि एक रिसर्च पेपर आर्टिकल कैसा होता है फॉर एग्जांपल जब आप रिसर्च पेपर आर्टिकल देखते हो तो इंट्रोडक्शन बॉडी कंक्लूज़न ये सब चीज़ें रहती हैं लेकिन जब आप एक जन एक रिसर्च पेपर की बात करते हो तो उसमें क्या आता है सबसे पहले आपकी टाइटल ऑथर का नाम फिर उसके बाद एबस्ट्रैक्ट फिर उसके बाद इंट्रोडक्शन फिर उसके बाद उसने जो भी मैथडोलॉजी या फिर जो भी उसकी फाइंडिंग्स आई है वो और फिर उसके बाद वो उस वह डिस्कशन करता है और लास्ट में क्या करता है कंक्लूड करता है और सबसे अंत में क्या आता है आपकी बिब्लियोग्राफी आती है अच्छा एक चीज़ और एक चीज़ और कि जब हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर कोई बिब्लियोग्राफी का मैंशन नहीं होता है कोई बिब्लियोग्राफी कोई रेफरेंसेस कुछ भी नहीं होता है बट जब हम यहाँ पर बात करते हैं जब हम रिसर्च आर्टिकल की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको बिब्लियोग्राफी रेफरेंसेस ये सब मेंशन करना बहुत ज़रूरी है तभी ये क्या होता है ये अलग होता है आपके नॉर्मल पेपर से यहाँ पे। और हम आगे जब जाएंगे तो हम बताएंगे रिसर्च पेपर में बिब्लियोग्राफी क्यों ज़रूरी होती है क्यों जो है हम लिटरेचर रिव्यू करते हैं क्यों जो हम रेफरेंस करते हैं क्यों साइटेशन जरूरी है इसका भी एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल है जब हम बात करते हैं रिसर्च आर्टिकल की सो so, ये थी थोड़ी सी हमारी कोशिश कि हम बेसिक्स को जाने क्योंकि जब तक से आपकी बेसिक्स क्लियर नहीं होगी आप ऐसे ही भटकते रहोगे ठीक है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज अब हम पढ़ते हैं रिसर्च आर्टिकल के बारे में और रिसर्च आर्टिकल्स के अंदर ही आता है आपका रिसर्च रिव्यू ठीक है आपने ये वर्ड सुना होगा कि मैं रिव, लिटरेच रिव्यू पेपर लिख रहा हूँ ये मेरा रिव्यू है ये मेरा रिसर्च पेपर नहीं है ये है मेरा रिव्यू पेपर है तो दोनों में अंतर क्या होता है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए जब हम रिसर्च आर्टिकल की बात करते हैं तो ये क्या होता है इट्स नॉर्मल आइडिया ठीक है आपको कुछ आइडिया आपके दिमाग में आ रही है और आप उसने क्या किया एक रिसर्च पेपर स्टार्ट कर दिया लिखना और ये जनरली आप देखोगे तीन हजार वर्ड से लेकर के छः हज़ार वर्ड तक हो सकता है ठीक है इसमें क्या होता है एक पर्टिकुलर थियरी की बात की जाती है एक थियोरी ओरिएंटेड होती है और एक मैथडोलॉजी को आप फॉलो करते हो और उसके बाद रिसर्च क्वेश्चन हाइपोथिस बनाते हो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलती है साथ ही साथ आप क्या करते हो डेटा कलेक्शन करते हो ये डेटा कलेक्शन आपकी प्राइमरी भी हो सकती है सेकेंडरी भी हो सकती है और लास्ट में आप क्या करते हो रेफरेंसेज और साइटेशन देते हो ठीक है ये आपके नॉर्मल रिसर्च आर्टिकल रिसर्च पेपर में होता है बट जब हम बात करते हैं रिव्यू की एक रिव्यू पेपर कैसा होता है रिव्यू का मतलब क्या होता है समीक्षा करना अब ये जो समीक्षा करना वो ऐसा नहीं है कि आपने क्या क्या दिया फॉर एग्ज़ाम्पल आपने बचपन में कहानी सुना होगा कि क्या होता है एक कवा रहता है ठीक है सुना है ना इसमें क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल एक कवा रहता है चलो ऐसा मान लेते हैं कवा ठीक है अब ये कवा को क्या हुआ वो उड़ रहा था अचानक से उसे क्या दिखा एक घड़ा दिखा ठीक है वो घड़े घड़े में क्या था पानी था ठीक है और उसे प्यास लगी थी अब वो क्या करता है उसने आसपास क्या देखा कंकड़ देखा ठीक है अब वो कंकड़ में क्या करता है घड़े कंकड़ को उठा करके घड़े में डालता है घड़े का जो लेबल होता है वो बढ़ जाता है और उसके बाद पानी पी करके वो चला जाता है ख़त्म कहानी ये सब चीज़ें अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको क्या करना है रिव्यू लिखना है हाउ डू यू रिव्यू इट आप रिव्यू कैसे लिखोगे इसका जब हम रिव्यू की बात करते हैं जब हम रिव्यू की बात करते हैं और एक समरी की बात करते हैं ये दोनों बातें अलग होती हैं जब आप समरी की बात करते हो तो आप सिंपली क्या करते हो फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो कहानी है कहानी मान लीजिए ये पाँच वर्ड का है ठीक है तो यहाँ पे जब आप समरी की बात करते हो तो आप क्या करते हो संक्षेप में आप इसका वर्णन करते हो वन बाई थर्ड वर्ड यूज़ करते हो फॉर एग्ज़ाम्पल आप इसको डेढ़ सौ वर्ड में लिखते हो ठीक है एक सौ पच्चीस वर्ड या फिर हो सकता है आप दो सौ वर्ड में लिख दिए ये क्या है ये है आपका समरी वर्ड कहते हैं लेकिन जब हम रिव्यू की बात करते हैं दैट इज़ अ साइंटिफिक ये भी क्या है एक साइंस है जो कि आपके रिसर्च पेपर से कम नहीं इसको माना जाता है हालांकि ये एक हजार वर्ड का होता है एक हज़ार बारह सौ वर्ड इसमें क्या होता है जो रिसर्च पेपर ऑलरेडी पब्लिश है फॉर एग्जांपल तीन हज़ार की एक रिसर्च पेपर पब्लिश है उसको आप क्या करते हो क्रिटिकली एनालाइज करते हो आप उसको क्रिटिकली देखते हो और इस क्रिटिकली को हो सकता है आप दूसरे रिसर्च पेपर्स को पढ़ के आप उसको आर्ग्यूमेंट कर सकते हो तो जब हम रिव्यू की बात करते हैं रिव्यू क्या है रिव्यू इज़ अ नॉट अ समरी इट्स अ क्रिटिकली एनालाइजिंग द थिंग्स और जब आप क्रिटिक्स करते हो आलोचना करते हो तो उसके लिए आप दूसरे रिसर्च पेपर को भी पढ़ते हो तो हम क्या करते हैं जब हम रिव्यू की बात करते हैं तो रिव्यू कुछ इस तरीके से लिखा जाता है कि मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ इस बुक को और इसमें आपको जो जो पॉइंट अच्छे लगे जो जो पॉइंट हो सकता है आप उस पर क्रिटिकली अपना देना चाहते हो विचार उस पर आप दे सकते हो और दैट शुड बी लॉजिकल इन नेचर वो लॉजिकल होना चाहिए ठीक है ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ समरी उठा करके आपको आपने वो जो लिखा था उसको आपने क्या दिया? कर दिया समराइज कर दिया दैट इज समरी वो अलग है जब हम रिव्यू की बात करते हैं दैट इज़ अ क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ द लिटरेचर और द रिसर्च आर्टिकल दैट हैज बीन ऑलरेडी पब्लिश्ड ठीक है तो ये अंतर होता है जब हम रिसर्च रिव्यू की बात करते हैं ये क्या होता है जो पेपर ऑलरेडी पब्लिश्ड हैं ठीक है उसका आप क्या करते हो समरी निकालने की कोशिश करते हो बट ये समरी कैसा होना चाहिए दैट इज क्रिटिकली इन नेचर ठीक है आप जो एग्जिस्टिंग लिटरेचर के आधार पे आप उसको एनालाइज़ करते हो और फिर उसके बाद आप क्या करते हो फिर उसके बाद उस पर डिस्कशन करते हो कि क्या इसका रेलिवेंस है करेंट में ये आर्टिकल अभी भी इसका कोई रिलिवेंस है कि नहीं तो इसको हम कहते हैं रिव्यू आर्टिकल और जो आपकी ओरिजिनल आइडिया है आपको किसी दूसरे पेपर के आपको यहाँ पे भी आप लिटरेचर रिव्यू करते हो दूसरे सेकेंडरी बट उसके आधार पे आप क्या देते हो एक नया ओरिजिनल आइडिया देते हो गैप ढूंढते हो और उसके आधार पे आप अपनी नई पेपर पब्लिश कराते हो तो ये अंतर होता है आपके रिसर्च आर्टिकल में रिसर्च रिव्यू में अगर ये लिंक काम करता है तो मैं आपको अभी खोल के दिखाती ये कैसा होता है एक पेपर और एक रिव्यू पेपर तो ये अंतर होता है बट आई होप कि आप इमेजिन कर पा रहे होंगे कि अंतर क्या होता है ये सब चीज़ें बेसिक्स होती हैं क्योंकि जब हम बात करेंगे रिसर्च में रिसर्च में तो हम बार बार यूज करेंगे रिव्यू कर रहे हैं जर्नल्स हैं पेपर हैं आर्टिकल्स हैं डेजटेशन है तो कम से कम इसके बारे में आपको थोड़ी बहुत आइडिया होना चाहिए क्योंकि बार बार हम इन सब के बारे में जिक्र करेंगे तो यहाँ से हमारी क्या होगी कॉन्सेप्ट स्टार्ट होगी रिसर्च क्या होता है इसका यूज़ क्या होता है सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज गाइड्स हम चाहते हैं कि हम आप बेसिक्स को जानें और बेसिक्स के जाने के बाद ही हम कॉन्सेप्ट को बिल्ड करेंगे So, this is all about basic in research methodology. In the next class, we are going to discuss the research. Theke? So, till then, just keep reading and keep learning.